नर्मदा के संरक्षण के लिए नर्मदा यात्रा के माध्यम से शुद्धिकरण हेतु जन जागृति लाने की पहल एक युवा ने की, जो खुद के खर्च से 50 साल से ज्यादा की उम्र वाले सर्व समाज की महिला पुरुषों को नर्मदा दर्शन व ओंकारेश्वर दर्शन की यात्रा करवा कर एक अनूठा संदेश दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कसरावद क्षेत्र के युवा राजीव पटेल की, जो कसरावद के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मां नर्मदा किनारे स्थित ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की निशुल्क यात्रा करा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान यात्रियों को मां नर्मदा के संरक्षण व शुद्धिकरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यात्रा में 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिला एवं पुरुष शामिल हो रहे हैं। यात्रा को लेकर राजीव पटेल ने बताया कि मैं मां नर्मदा के नारे से उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया, क्योंकि मां नर्मदा निमाड़ वासियों की जीवन दायिनी है और मां नर्मदा को प्रदूषित होने से बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। ग्रामीण उत्साह के साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और मां नर्मदा के शुद्धिकरण में आगे आ रहे हैं। कसरावद से सुधीर सराफ की रिपोर्ट। उसका बहुत महत्व है और महत्व इस प्रकार से कि वहां पे मां नर्मदा जो कि जीवन दायिनी है मध्य प्रदेश की, और हमारे निमाड़ में मां नर्मदा का भी उतना ही महत्व है जितना ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व है। तो वहाँ का दर्शन पाना अपने आप में एक अभूतपूर्व है और लोगों का स्वप्न होता है। मुख्यमंत्री जी माननीय है, उनके द्वारा भी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनको वहाँ तक भेजा जा रहा है और अन्य भी तीर्थ दर्शन कराए जा रहे हैं। तो ये छोटा तीर्थ है, कम दूरी का तीर्थ है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने दर्शन नहीं किया होता है, तो एक स्वप्रेरणा थी, मन में एक संकल्प था कि ऐसा कुछ हो कि समाज का हर वर्ग, वो ना जात से ऊपर, पात से ऊपर, सारी चीज़ों का समावेश हो, जिसमें समरसता के साथ सभी लोग दर्शन करें, तीर्थ करें, नर्मदा जी का स्नान करें। राजू भैया की तरफ से जा रहे हैं, जैसा हमको बेटा सर्वेंट मिला कि सबको तीर्थ धाम करवा रहे हैं, उनके धन्यवाद। अच्छा, कितनी महिलाएं जा रहे हैं आप? सारे बुजुर्ग लोगों को यात्रा करा रहे हैं? सबको यात्रा करवा रहे हैं। हम उसी बहुत मान्यता करते हैं और हमको अच्छा लगता है जाने पर, इसलिए हमारे राजू भी है जो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए आज हम 50-60 वर्ष की उम्र के लोग सभी जा रहे हैं।